नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के कूढ़ा लंबी से आया है। यहाँ पर पुराना घर तोड़ करके नया घर बनाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर कोई सांप देखा गया है और हम लोग भी बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कहाँ पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। एक ही जगह पे तो है कि अलग अलग जगह? दोनों एक साथ देखे बाबा जी? दोनों एक साथ देखे है ना? हाँ, दो से तब इसका मतलब दो है। नहीं, मैं कहा एक ही को ऐसा तो नहीं दो बार देखे हैं? नहीं, दो है। अच्छा, दो है। उस साइड खुला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं। बाहर किसी को खड़ा कर दीजिए। खुला है तो चला जाएगा, बाहर से खड़े होकर देखते रहिए। तो अगर जैसा निकलना वैसा मारे हो। नहीं मारना मत, मारना नहीं है। मारना नहीं दिखेगा, बताइएगा बस। और यहाँ पर हमें एक सांप दिख चुका है और ये काफी ज्यादा बड़े साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग सांप है जो कि इस दीवार के अंदर बैठा हुआ था। ऐसे में हम लोग इसे सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करने के बाद दूसरे सांप को भी बाहर निकालेंगे। उधर दिख रहा है क्या? नहीं लंको समझी लो, हम देखा तो रहे हो और बारे में नहीं करे। एक ही तो है? नहीं, दो दो है, दो है। दो एक ही हर की गाल है, क्यों हर की गाल दिखाई यहाँ पे एक ही दे रहा है। कौन है? शोर मत करिए, क्यों भगा रहे हैं? रहने जी ना। मरले है जेकी डस्टियां तो उनका जिए तो रही का मैंने बिल्कुल जिंदा रहेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तब। हां, और यहां पे दिख एक ही रहा है पाई तले आज भी। यहां पे तो एक ही है। नहीं, एक है और। तो आप लोग तोड़ के देख लीजिए, और है तो और पकड़ लेंगे। नहीं, तोड़िए आओ विशाल, वहां फटाफट तोड़ लीजिए। अरे खड़ा हो जा, आप लोग खड़ा करते उनके लेके। चलिए आराम से। हाँ
मोरे जी कोने प्रजात का है? कोबरा। कोबरा है ना? नाग फिटार खरीस। और यहाँ के लोगों ने पूरी दीवार को तोड़ करके देखा, लेकिन इन्हें दूसरा सांप नहीं दिखाई दिया। शायद वो कहीं और चला गया, क्योंकि जो दीवार थी वो पीछे की तरफ से खुली हुई थी। ऐसे में हम लोग इसी सांप को यहाँ से दूर ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इस सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। हम लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। फिलहाल जो सांप है वो हुड लेकर के अपने बचाव के लिए खड़ा हो गया है। इसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में हम लोग इसे उठा करके थोड़ी सी और अंदर की तरफ रिलीज कर देंगे, जिससे कि ये निडर होकर के यहाँ से चला जाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।